दिया है कबाब। माशाल्लाह नहीं, मेरा जो उसने मुझे बोला वो मुझे समझ नहीं आया, जो मैंने उसको समझाया पता नहीं उसको समझ आया कि नहीं आया वो मुझे नहीं पता। वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो भाई, सब लोग ठीक हो, अच्छे हो? आजकल तो लोग बोलते होंगे कि वालिया को पता नहीं क्या ही हो गया, इतना इतना टाइम अब कर देती है व्लॉग्स नहीं डालती। कल व्लॉग नहीं आया, उसका रीज़न मैं बताऊँगी, लेकिन पहले ठीक हो, अच्छे हो? अभी तो भाई मैंने अभी भी रोज़ा खोला, मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ। तो कल का व्लॉग ना आने की वजह ये थी कि मैं अपनी अम्मी के पास थी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले तुम लोगों को बताया था माय अम्मा इज़ नॉट वेल, तो मेरी मम्मा थोड़ी सी बीमार है, लाइक शी इज़ नॉट मेंटली वेल और फिज़िकली टू, तो इस वजह से ना तो माई मदर नीड्स मी। तो अहद वॉज लाइक कि तुम्हें चाहिए कि तुम थोड़ा सा टाइम अपनी मामा को दो, बिकॉज जो बेटी कर लेती वो कोई और नहीं करता। तो इसी वजह से हम लोग अभी व्लॉग नहीं डाल पाए थे, और अभी भी मैंने बस रोज़ा खोलने से पहले मुझे मेरी मम्मा से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो है ना वालिया अभी जाना, आप अगर बुरा नहीं मानोगी तो आप आ जाओ। कि मेरा मम्मा क्या हुआ, कहने की आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मेरा कोई मसला नहीं है मैं आ जाती हूँ। तो कहने की रोज़े से पहले आ सकती, तो उस वक्त बज रहे थे 6, तो मैंने मामा को बोला मैंने मामा मैं कोशिश भी कर लूँगी तो मैं रोज़े से पहले नहीं आ पाऊँगी, रोज़ा रास्ते में खुल जाएगा। और रास्ते में रोज़ा खुलना मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है, क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी बेचारे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, उनके भी रोज़े होते हैं, और फिर हम लोगों का भी रोज़ा ख़राब होता है। तो मैंने मामा को बोला मामा मैं आफ़्टर रोज़ा, तो मैंने अभी अभी इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ी है, और अभी हम तैयार होंगे और अपनी अम्मी की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरी मामा थोड़ी सी लाइक उनका ऐसा फेस चल रहा है, शी नीड्स अस, तो इसी वजह से। बट दुआ करो कि मेरी मामा जल्दी से बेहतर हो जाए, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, उनको सेहत दे, अमीन अमीन। तो यार माजरत इसीलिए माफ़ कर दो क्योंकि तुम लोग भी समझते हो गए, यू गाइज़ आर ऑल्सो हैज़ मदर्स, अगर जिनकी नहीं है अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनको आला मुकाम दे और तुम लोगों को सब्र दे। तो और जिनकी दूर भी हैं अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ ऐसा होता है कि शादियाँ करके कराची आ जाती हैं, लाहौर की होती हैं, क्योंकि लाहौर में मतलब लड़कियाँ ज़्यादा जाती हैं कराची की। मैंने नोटिस किया, लोगों को बहुत शौक है लाहौर जाने का शादी कर करके, पता नहीं कि मेरे अराउंड भी बहुत लड़कियाँ हैं जिनको कराची के सारे लड़के छोड़ के उनको लाहौर में शादी करनी है। खैर अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, वी नेवर नो। तो इसी वजह से हम ब्लॉग नहीं डाल रहे थे, तो चलते हैं तैयार होते हैं। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मेरी जो बहन है वो जनाजा है, उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है कहीं जाने के लिए, वो लिटरली मेरे सामने खड़ी है, मुझे घूर रही है। मेरा दिल करता है अभी शायद इसको गाने सुन रही है, हाँ मैं शोर हुई गाने सुन रही, क्योंकि सिर्फ मुझे देख रही है। आपकी बहन जनाजा है, आपको कहीं जाने के लिए अपनी बहन को उठाना पड़ता है, लाहौर में शादी और फला और दिमाग, तेको क्या लगता है कि मैं इतनी पागल हूँ कि मैं तेरी बात सुनने के लिए अगर मैं तेको देख रही हूँ तो मैं हेडफोन लगा के मेरे गाना चला रही होंगे? अब तो करवा ली कोई काम तो आप ले लेगी मुझसे, ले लेगी टॉप, काम करवा लेगी तो मुझसे टॉप ले लेगी, मुझसे काम करवा लेगी, मुझसे टॉप ले लेगी, तो मैं छुपके से ही पहन के चली आऊंगी। कैसे पहनेगी बताऊंगी नहीं गाय। अच्छा तुम लोगों को एक फनी बात बताऊं, मुझे ना एक पीआर में टॉप आया, एंड दैट टाइम जब मैंने उस टॉप को देखा आई रियलाइज दिस इज सो शॉर्ट, हाउ आई कैन वेयर इट, क्योंकि मैं शॉर्ट टॉप्स नहीं पहनती, मैं टॉप्स ही नहीं पहनती। तो देन आई रियलाइज कि मेरे घर में भिखारी और रमजान का महीना चल रहा है, भीख देने से अल्लाह पाक आपको एक साथ। अच्छा इसका ना पे बैक करना पड़ेगा, देखा ना मोबाइल के लिए कार्मा कार्मा ब्रो। धुआं धुआं कमरा में। तो गाइस चलो चलते हैं, तैयार होके हम लोग निकल गए थे, और ये बच्चों के साथ तैयार होकर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे बाल भी नहीं बनाए मैंने, ठीक है, इवन स्कार्फ भी नहीं बनाया, क्योंकि एंड हमने मुर्तसिम को आई शूज़ बनाए जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, और वो बहुत गुस्सा कर रहा है इस बात पे, बट अभी थोड़ा चुप है, फाइनली अल्लाह का शुक्र है। एंड दिस वुमन इज समथिंग, एंड आई लिटरली हेट दिस वुमन बिकॉज दिस वुमन इज सो फेक। अब इसको एयरफोन लगेंगे तो मैं जो दिल चाहेगा बोलूँगी, जो दिल चाहेगा बोलूँगी। दिस वुमन इज सो
इसको, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इसको। इतनी कोई फेक लड़की है, तौबा, आई नेवर सीन अ फेक वुमन लाइक हर। और इसका और इसका यही है। एंड यस, दिस इज आवर फेवरेट प्लेस एंड आई हेट दिस गार्डन सो मच। बस करती हूँ, नफरत है मुझे इस लॉन से बहुत ज़्यादा, तुम लोगों को भी पता होगा, बट है तो है तो हाँ तो। और मेरा स्कूल भी बोला, चलो ऐसे पागल के बच्चों, हम जा रहे हैं अपनी अम्मा के घर, जैसे मैंने तुम लोगों को घर पे बताया नहीं। मेरी अम्मा को आजकल मेरी बहुत याद आ रही है, अल्लाह रहम करे। मेरे को तो डर भी लगता है जब ऐसे मेरी अम्मा मेरे को याद करती है ना कि नहीं। अच्छा मैं ना तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, विच इज़ सो लाइक नॉर्मल चीज़। एक बात होती है ना हमेशा कि आप बोलते हो कि क्या मतलब है, ये रोया ना, देखो दे दूँगी, दोनों ऐसे पागल हैं। अच्छा मैंने एक बात बताती हूँ, आई गॉट आने कॉमेंट के आपने ना इतनी जल्दी वेट कैसे लूज कर लिया। अभी मेरा सी सेक्शन हुआ है और मेरे इंस्टाग्राम पे आया था ये मैसेज ना कि मेरा भी सी सेक्शन हुआ है, ऑपरेट हुआ है, और जिसकी वजह से ना अभी मेरा बेबी है 10 days का, तो हाउ आई कैन लूज माई वेट ना जल्दी से। गर्ल डोंट लाइक, डोंट ओवर थिंक अबाउट योर वेट। आपने इतना बड़ा काम किया एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर वेट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। ठीक है मुझे पता है आप बहुत लड़कियों को वेट वो नहीं पसंद होता, बहुत सारी लड़कियों को वेट नहीं पसंद होता, जैसे कि मैं अगर थोड़ी सी मैं बहुत स्किनी थी बिफोर दैट, तो उसके बाद जब मेरा वेट बहुत बढ़ गया तो मुझे भी बहुत बुरी लगती थी अपनी बॉडी। लेकिन वाई यू वेट योर बॉडी सो मच, मुझे स्टार्टिंग में ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। देन आई रियलाइज वी आर डूइंग समथिंग दैट कि हर कोई मुझे आपको नहीं कर सकता, आई मैन कांट डू दिस, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ आवर थिंग, हम करते हैं तो ये हमारी चीज़ है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि अभी इज जस्ट योर 10 days ओल्ड योर बेबी एंड शी जस्ट वॉन्टेड के उसका जो फीट का सप्लाई भी ख़राब ना हो, तो इसलिए आपको चाहिए होता है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा जाने दो, कि इसको थोड़ा सा टेक इट स्लो। और हाँ ठीक है, आप अपनी डाइट अच्छी रखो, डाइट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कुछ खा ही नहीं रहे हो, नहीं भाई प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना आपका बेबी आपको बहुत तंग करेगा। वो उसको ठीक से जब उसका पेट नहीं भरा होगा तो वो बिना बात के रोएगा। एंड दी अगेन शी आफ्टर 2 to 3 days उसने मुझे दोबारा ये मैसेज भी करा कि मेरा बेबी बहुत रोता है, आप मुझे बताओ आपने मुर्तसिम की रूटीन कैसे सेट की है। तो मैंने मुर्तसिम की रूटीन ऐसे सेट की थी कि पहले तो उसका पेट भरा होना चाहिए, उसका पेट अगर नहीं भरा होता था तो वो बहुत तंग करता था, बहुत ज़्यादा रोता था। एंड देन फिर हमने उसके साथ ये किया था कि हमने उसको दिन में हम कोशिश करते थे कि लाइटें घर की खुली हों और हम लोग बात बात करते थे, बट रात में बिल्कुल डिम लाइट के, बिल्कुल डिम, कि सिर्फ हमें भी ठीक से नहीं दिखता था, कि उसको बिल्कुल स्लो स्लो कुछ दिखे, या रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ऐसे थोड़ा सा लाइट उसके रूम में हो, और उसको बात दिया करो, उसको मालिश करके उसको लिटा दिया करो, अगर कोशिश करो। अगर सर्दियाँ थी, हमने मुर्तसिम को इतनी बार नहीं नहलाया था क्योंकि सर्दियाँ थी, हम उसको गर्म पानी से साफ़ करते, बट अब तो गर्मियाँ हैं तो आप बात दे सकते हो। इसलिए ये चीज़ आप 1-1.5 हफ्ते करो, फिर उसकी रूटीन सेट हो जाएगी। और कोशिश करना, मैंने ये मुर्तसिम के साथ नहीं किया, जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मैंने उसको जो है ना आवाज़ों की आदत नहीं डाली, कि हम लोग बोलते नहीं स्लो स्लो, और वैसे भी हम लोग घर में बहुत स्लो बात करते हैं अहद और मैं, क्योंकि बहुत स्लो बात करते हैं, बस हमारे घर में भांडे की यही है, यही बहुत तेज़ बोलती है, तो जब ये भी कहीं जाता है तो ये आवाज़ों से ना बहुत परेशान हो जाता है, ये रुकता नहीं है, ये बोलता है नहीं जस्ट आई वॉन्ट टू गो होम, क्योंकि वहाँ पर बहुत चुपचाप सब होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं इसको जितना हो सके ना इसको बाहर लेके आऊँ, तो ये उसके लिए ईजी रहेगा। तो बस अभी हम जा रहे हैं देखो, और रास्ते में रश भी बहुत है बिकॉज हम लोग रात के वक्त निकलते हुए हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि ईद है, तो ईद इस लाइक के ईद के दिनों में रमज़ानों में बहुत ज़्यादा रश होता है रोडों पर, बिकॉज सबको शॉपिंग करनी होती है, अल्लाह पाक सबकी आसानियाँ करे। तो बस दिस बॉय लुक्स प्रिटी, ठीक है ये देखो माशाल्लाह लिखना होके गाइस आप लोग भी। अभी हम जा रहे हैं बाकी में, देखते हैं वहाँ पे जाके अम्मा से, देखते हैं अम्मा को क्या हुआ है। अगर तो अम्मा ने मुझे नाटक करके बुलाया ना कि उनके साथ कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे फिर भी बुला लिया, तो दैट इज़ सो बैड मॉम। तो यार गाइस हम लोग वहाँ से हो आके आ गए थे, मेरी मामा ने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया, वो मुझे कह रही थी बहुत बीमार हूँ
बट ऑल शी इज मिसिंग मी, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया। मैंने बोला मामा आप ऐसी करती थी ना तो मेरा तो काम बंद। उनको बोला अगर आप ऐसी करती थी भाई मेरा तो काम बंद हो गया। तो मामा मेरे को बोलने की मैं मर जाऊंगी ना तो फिर तुम्हें मेरी याद आएगी, वही जो अम्माएं करती है ना। तो थोड़ा सा तो मैंने फिर अम्मा को बोला कि ऐसे नहीं करें। फिर हम लोग अभी इतना लेट होकर आए, ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है, मैं ऐसे करूँ मेरे पास घड़ी है। तो मैं अभी इतना टाइम हो रहा है, मामा थोड़ी मतलब मामा बोल रही हूँ यहाँ थोड़ी देर में आने वाला है, बट आहद हमारे लिए उसने बोला था कि मेरे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया है। तो बस वो आने वाला है, थोड़ी सी देर में आने वाला है, वो आ जाए फिर हम उसका रिएक्शन देखते हैं कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। पता नहीं मेरा जो उसने मुझे बोला वो मुझे समझ नहीं आया, जो मैंने उसको समझाया पता नहीं उसको समझ आया कि नहीं आया वो मुझे नहीं पता था। तो अभी हम हाथ का वेट करें, वो आ जाए फिर खाना वाना खाते फिर देखते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि आहद आ गया है और लाइक वो अपने साथ ना खाना भी लेके आ रहा है, तो वो ये लेकर आती है। अभी वो प्लेट्स लेने गया है तो पता नहीं क्या कैसा लेके आया होगा, आई रियली डोंट नो, बट देखते हैं। ये देखो जरा, ये उसने तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया है कबाब। अभी ये क्या भंड मार रहा है इसने यार, मेरे को नहीं पता। इसने बजाय ना डॉ के साइड में लगाने के इसने पिज्जे के ऊपर लगा दिए, और इसने ऑर्गेनो भी डाल दिया जो कि तुम खाते ही नहीं हो। एक तो जब इंसान को भूख लग रही हो ना टाइट, तो हर तरीके से ना भंड होता है। चलो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, कोई बात नहीं ना, ये खा के बताओ कैसी बनी, पहले ये खा के बताओ। ये तो अच्छी बनी है, 100% श्योर हूँ अच्छी बनी है। सही भी नहीं है, मिर्चे भी सही है, हाथ का टेस्ट। लेकिन इसका क्या करोगे आप, खा लूंगा छोड़ो। ये बंदा ये बोलता है बस खाना होना चाहिए, कैसा भी हो बस खाना होना चाहिए। मेरा बेबी भी जाग रहा है, वो इसके नाम में शुक्र अदा करो जो मिले अल्लाह का शुक्र। उसको देखो पिज्जे के डब्बे के ऊपर कैसा उछलने की कर रहा है, खाना है आपने। मुर्तसिम भी अभी उसको भी हम दो तीन स्लाइसेस देते हैं, ओके मुर्तसिम, मुर्तसिम को भी देते हैं, सारी मुर्तसिम को ही दे देते हैं, हमको तो वैसे भी नहीं खाना है। सही है, खाना वाना खा लिया अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आहद के साथ बहुत गंदा प्रैंक हुआ है, लाइक उसने कहा था कि जो पिज़्ज़ा है उसके जो ऊपर के डॉ का साइड होता है ना उसमें आप ना सीख कबाब लगा दो। लेकिन उस पिज़्ज़े वाले का दिमाग इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि उसने पिज़्ज़े के ऊपर कबाब लगा दिए, जो कि टेस्ट अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने तो नहीं खाया, उसको देखने के बाद ही मुझे बहुत ऑफ लग रहा था सीन, मुझे उसको देखने के बाद ही बहुत ऑफ लग रहा था सीन, तो मैंने इसे नहीं खाया। बट खैर आहद ने खाया, उसको अच्छा लगा या नहीं लगा आई डोंट नो, मैं उसे रिव्यू भी लूँगी क्योंकि वो सोने के लिए लेट गया है। ठीक है ना, ये उसकी सहरी हो गई है, ठीक है, वो सिर्फ नमाज के लिए उठेगा फजर में, और सेम चीज़ मेरे साथ भी, अब मेरी भी सहरी ये बस डन है, अब मैं और नहीं खाऊंगी कुछ भी क्योंकि यही बहुत हैवी हो जाता है यार, और मैं इतने दिनों से बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रही हूँ, आई नीड टू स्टॉप इट। ठीक है, पिज़्ज़ा और मैक्रोनी भी अब लगाते हैं हम बैन कुछ दिनों के लिए, हम वो नहीं खाएंगे। तो इसके बाद ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी कहानी भी पसंद आई होगी जो आधी गाड़ी में थी और आधी आहद के पिज़्ज़ा में थी। तो गाइज और मेरी बात सुनो, जो जो लोग ये बोलते हैं कि मैंने अपने वेट लॉस की ड्रिंक नहीं बताई, गाइज कुछ भी ड्रिंक नहीं है, मैंने एक बार बताया था, अगर तुम लोग बोलते हो ना तो मैं दोबारा एक वीडियो तुम लोगों को बना के दे दूँगी, कोई मसला नहीं है जानी, पूरा अपना प्लान बता दूँगी कि मैंने कैसे खाया कैसे नहीं खाया। तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात बताई थी, मैं दोबारा हुआ बता रही हूँ, कभी भी ये सोच कर मत को राइट आफ्टर अपने सी सेक्शन ये मत सोचा करो कि आपको बस पतला होना है पतला होना है पतला होना है, आपने बहुत बड़ा काम किया है तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम तो लगता है, जस्ट लव योर सेल्फ। ठीक है गाइस, तो इसी आप लोग को करते हैं ये पेंड, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, आउच लग गई मेरे। तो अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।